नॉर्मली ना शॉर्ट्स स्क्रॉल करते वक्त मेरे सामने आई ये वाली वीडियो। ये वाली नहीं है तो मैंने बनाई है, मैगी की वीडियो आई थी मेरे सामने तो उसके ऊपर टाइटल में लिखा हुआ था देसी मैगी। मैंने सोचा यार देखते हैं, देखने में तो बिल्कुल सेम वेजिटेबल मैगी जैसी लग रही थी लेकिन इसका टेस्ट देखते हैं कुछ अलग आएगा या फिर सेम वैसी होती है या फिर जनता काटा गया है। मजाक कर रहा हूँ यार। तो सबसे पहले करना क्या है, बटर में सबसे पहले सारे वेजिटेबल्स को सौते करना है, उसके बाद डालेंगे इसके अंदर मैगी मसाला, नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, फिर पानी थोड़ा सा, और अच्छे से इसको 2-4 मिनट तक इसको इस तरीके से भून लो। फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे की इंग्रेडिएंट जो है हमारी मैगी। मैगी डालने के बाद उसके अंदर डालो 2 कप पानी, फिर उसके ऊपर डालो मैगी मसाला। टेस्ट मेकर और मुझसे कोई काम गलत ना हो, चलो इसको निकाल लिया वैसे मैंने। फिर करना क्या है ना, इसको हाई फ्लेम पर पका लो, 5 से 6 मिनट लेंगे। 2 मिनट में तो मैगी आज तक कभी पकी नहीं, तुम्हारी पकी तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो बस ये हमारी मैगी हो चुकी है रेडी। अब क्या करना है ना, हमने इसके ऊपर मतलब इसको निकाल के सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए निकालो यहाँ से अपना एक औजार और बस इसको करो सर्व। और हमारी मतलब देखने में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और टेम्पटिंग सी मैगी लग रही है। फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर डालेंगे बटर, क्योंकि देसी लोग जो है ना बटर और घी भर भर के खाते हैं। आप भी अगर इससे रिलेट करते हो तो कमेंट में बताना। तो बस करना क्या है, इसके ऊपर डाल थोड़ी सी मैगी, बटर को मेल्ट करा, फिर उसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा मैगी मसाला। बाय द वे इसके टेस्ट की बात करी जाए तो टेस्ट इसका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था नॉर्मल वेजिटेबल मैगी से, बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्पाइसी और मज़ेदार मैगी। ट्राई कर सकते हो। बाय।